हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप पर काम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप को ऑन करते हैं। पर दोस्तों, ये काफ़ी बार है आपका इरिटेटिंग वाला काम होता है, क्योंकि आपका जो पीसी और लैपटॉप होता है वो बहुत ही स्लो होता है और उसमें जो बूटअप होता है आपका सिस्टम वो काफ़ी लेट होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से आपका पीसी या फिर लैपटॉप काफ़ी जल्दी बूटअप करेगा या कहें कि उसकी परफॉर्मेंस पहले से बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका कंप्यूटर बहुत जल्दी स्टार्ट हो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना होता है। उसके बाद आपको एक स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स को लेकर, जिसे हम रन प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें आपको टाइप करना है msconfig। msconfig लिखने के बाद आपको एंटर करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पर जाइए, स्टार्ट पर वहां पर msconfig लिखकर एंटर मार सकती है। तो दोनों ही तरीके से आपका वो सेम डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन खुला है और उसमें आपको क्या करना है कि आपको बूट ऑप्शन पे क्लिक करना है। बूट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वो विंडो शो करेगा। आप देखिए जैसे मेरे पीसी में जो दो विंडो डली हुई है, तो उससे बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर ऑप्शन में जाकर देख रहे हैं नो GUI बूट, आपको इसको इनेबल करना है, मतलब आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आप साइड में यहाँ पे देख रहे हैं टाइम आउट, जिसमें यहाँ पर मेरा 30 सेकंड टाइम दिया हुआ है। और जैसे दोस्तों आपकी दो विंडो डली है तो ये इसके बीच में टाइम शो करता है कि आपको कौन सी विंडो चूज करनी है। आप इसमें अपनी मर्जी से 30 सेकंड की जगह आप कम टाइम भर सकते हैं। तो उससे बाद आपको अप्लाई करना है, पर आपको ओके प्रेस नहीं करना है, क्योंकि आपको और भी सेटिंग करनी है। उससे बाद आपको स्टार्टअप ऑप्शन पे जाना है। स्टार्टअप ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मेरे अनवांटेड प्रोग्राम है जो मुझे विंडो स्टार्टअप के टाइम पर नहीं चाहिए, तो आपको क्या सिंपली करना होता है कि उनको डिसेबल करना था। डिसेबल करने के लिए आपको जो टिक है उन सबसे हटानी होती है और उससे बाद आपको अप्लाई और ओके प्रेस करना होता है। फिर आपका ऑप्शन आएंगे कि आपको रिस्टार्ट करना है या एग्जिस्ट विदाउट रिस्टार्ट। आपको एग्जिस्ट विदाउट रिस्टार्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको और भी सेटिंग करनी है। उससे बाद दोस्तों, जैसे हम विंडो 7 में ऐसे कर सकते हैं, तो आप विंडो 10 में क्या कर सकते हैं कि आप अपने टास्क मैनेजर खोलिए। टास्क मैनेजर में वहाँ पे दिया होगा स्टार्टअप ऑप्शन, और वहाँ पर आप जो प्रोग्राम होते हैं जिनकी आपको विंडो स्टार्टअप के टाइम पे जरूरत नहीं है, उनको डिसेबल कर सकते हैं। उससे बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में आपको क्या करना होता है कि आपको सर्विस में जाना होता है, और सर्विस में जाने के बाद आप देखिए जो रन एज एडमिटेड सर्विस होती है, जो आपकी सर्विस दिखाती है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या देखते हैं कि आपकी जितनी भी सर्विस होती है सब खुलती हैं, और उसमें आपको जो अनवांटेड सर्विस होती है, जो आपकी पीसी स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पीसी है जो काफ़ी स्लो चलता है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो आपके अनवांटेड जो प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो आपको जरूरत नहीं है विंडो स्टार्टअप के टाइम पर, और उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप देखिए वहाँ पर स्टार्टअप टाइप, उसमें आपको क्या करना है ऑटोमेटिक की जगह आपको डिले स्टार्टेड करना है। तो आपको सभी एप्लीकेशन या सभी सर्विस पे ऐसे ही करना है जो आपको स्टार्टअप के टाइम पर नहीं चाहिए। उससे बाद दो तीसरे नंबर पे चीज होती है वो होती है दोस्तों कि आपको अनवांटेड जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो डिसेबल करने हैं। जैसे कि मैं अपने पीसी में अपने जो डीवीडी राइटर का कभी कभी इस्तेमाल करता हूं, या फिर कहें कि आप लैपटॉप में भी डीवीडी राइटर का कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे, या फिर ब्लूटूथ के जो डिवाइस होते हैं उनका भी कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि आपको अपने स्टार्ट बटन पर जाना और वहां पर आपको टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में क्लिक करने के बाद जैसे आप ऑप्शन दे सकते हैं वहां पर, जैसे मेरा डीवीडी राइटर है उस पर राइट क्लिक करके आपको उसे डिसेबल करना है, और डिसेबल करने के बाद आप भी जब भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो इसे जब विंडो आपकी ऑन होती है उसके बाद आप इनेबल कर सकते हैं और आप अपने डीवीडी राइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उससे बाद चौथे नंबर पे जो चीज आती है वो आती है कि आपको जितने भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते उनको अनइंस्टॉल करना होता है। अगर आप वो इंस्टॉल नहीं करेंगे जो फालतू के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो काफ़ी स्पेस घेरते हैं और आपकी जो सी ड्राइव है काफ़ी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप पीसी ऑन करते हैं तो वो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है। तो आपको ये क्या लगना है कि जो भी आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, आप कंप्यूटर में जाइए और वहाँ पर देखिए इंस्टॉल ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि जो भी आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर है उन्हें अनइंस्टॉल कीजिए, और शायद आपको पता भी ना हो कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं पर उनका इस्तेमाल आप ज़्यादातर नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो आती है हमारी कि आपको जितनी भी अपनी एक्स्ट्रा जितनी भी फाइल्स होती हैं, या कहें कि आपको जितनी भी आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको डिलीट मारना होता है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि आपको विंडो आर बटन अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है, और उससे बाद आपका रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और उसमें आपको क्या करना है कि आपको परसेंटेज TEMP
और परसेंटेज लिखकर एंटर मारना है। उससे बाद दोस्तों जितनी भी इसमें फाइल होती है उसको आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और उससे बाद आपको शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है। शिफ्ट डिलीट प्रेस करने से क्या होता है कि दोस्तों वो जितनी भी हम आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाती फाइल, सीधी आपकी फाइल्स वो है डिलीट हो जाती है परमानेंटली। दोस्तों ये जो फाइल होती है टेम्प्रेरी फाइल्स, ये जो होती है परसेंटेज TEMP परसेंटेज लिख के, ये होती हैं यूजर्स की फाइल, जितनी भी आपकी यूजर्स की जो टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं वो होती हैं। उससे बाद दोस्तों आपको फिर दोबारा क्या करना होता है कि आपको विंडो R प्रेस बटन करना होता है और उससे बाद आपको फिर लिखना होता है TEMP, पर इस बार आपको शुरू और एंड में परसेंटेज नहीं लिखना है और आपको सीधा TEMP लिख के एंटर करना है। उससे बाद आपको जितनी भी आपकी फाइल्स खुलेंगी आपको यहाँ पर कंट्रोल ए करके फिर दोबारा शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है और आपकी जितनी भी फाइल्स है वो जो टेम्प्रेरी फाइल्स है वो डिलीट हो जाएंगी। और ये दो दोस्तों फाइल्स होती हैं, ये होती है विंडो की जितनी भी टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं, आपको ये सभी डिलीट मारनी है। उससे बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको विंडो प्लस R बटन प्रेस करना और यहाँ पर लिखना है प्रीफेच, मतलब PREFETCH और उसके बाद एंटर कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर जितनी भी फाइल्स देख रहे हैं इनको कंट्रोल ए करके और शिफ्ट डिलीट प्रेस करके आपको ये फाइल्स परमानेंट डिलीट मारनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आपको कोई सी भी विंडो हो आपको अपने स्टार्ट पर जाकर लिखना होता है डिस्क क्लीनअप, या फिर कई विंडो में है वो फ्री अप डिस्क नाम से भी होता है, तो आपको डिस्क क्लीनअप लिख के एंटर मारना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो विंडोज जिसमें ड्राइव में डली है उसको चूज करना है और उससे बाद ओके दबाना है। उस ओके दबाने के क्या होगा कि वो उसे एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद आप यहाँ पे देख रही है डिलीट अप सिस्टम फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सभी ऑप्शन जितने भी होते हैं चाहे रिसाइकल बिन या टेम्प्रेरी फाइल्स हैं उन सबको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है और आपकी जितनी भी जो फाइल्स होती हैं एक्स्ट्रा फाइल्स चाहे वो विंडो अपडेट की फाइल हो या टेम्प्रेरी फाइल्स हो या आपकी मेमोरी डम फाइल्स हो वो सभी डिलीट हो जाती हैं और आपकी जो विंडो की डिस्क की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, मतलब आपकी जो सी ड्राइव होती है वो भी काफी खाली हो जाती है जिसकी वजह से आपका PC जो है काफी जल्दी बूट अप होता है और या कहें कि आपका PC है जो काफी बेहतर परफॉर्मेंस देगा पहले से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आपको कंट्रोल पैनल खोलना होता है। कंट्रोल पैनल में आप देख रहे हैं हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन, उसमें आपको पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है। पावर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप वहां पर देखेंगे कि आपको बैलेंस दिया होगा, मतलब जो रिकमेंडेड दिया होता है, पर अगर आप हाई परफॉर्मेंस पे करेंगे तो आपका PC है जो काफी जल्दी स्टार्ट होगा। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो आपकी जो बैटरी है काफी जल्दी ड्रेन होगी और या फिर कहें कि वो काफी ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आप बायोस टिक कर सकते हैं, मतलब बायोस टिक में क्या होता है जितने भी आपके UEFI बायोस होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं कि आप वहां पर जैसे आप अपने जब PC को स्टार्ट करते हैं या फिर लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो आप जैसे उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं बायोस में जाने के, आपको बायोस में जाना और वहां पर बायोस में जाने के बाद आप दे सकते हैं जैसे वहां पर मेरे जो मदरबोर्ड में है जो बायोस फीचर्स दिए हुए हैं, बायो फीचर्स में अंदर जाने के बाद आप नीचे देखिए वहां पर दिया हुआ फास्ट बूस्ट ऑप्शन और वो जो मेरा इस टाइम पे डिसेबल है मेरे को क्या करना है कि इसको इनेबल करना है, या फिर आप कर सकते हैं अल्ट्रा फास्ट पर भी उसे इनेबल कर सकते हैं और F10 करके आप सेव कर सकते हैं और आप फिर बाद में एग्जिस्ट कर सकते हैं और आप देखिए आपका PC या फिर लैपटॉप है वो काफी जल्दी स्टार्ट होगा। उससे बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो अगली ट्रिक होती है वो होती है कि आप अपने PC में कोई अच्छा एंटीवायरस डालिए। अच्छा एंटीवायरस इसलिए डालिए क्योंकि क्या होता है कई बार आपके PC या फिर लैपटॉप में वायरस आया होता है जो आपके PC या लैपटॉप को काफी स्लो कर देता है और या बूट अप के टाइम पे वो काफी दिक्कत देता है या फिर आप वैसे भी नॉर्मल PC चला रहे हो तो वो काफी स्लो चलता है, तो आप ख्याल रखें कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस डालना है जो आपके PC में या फिर लैपटॉप में वायरस ना आने दे। दोस्तों उससे बाद आपको क्या करना होता है कि आप अपनी जो हार्ड ड्राइव को डीफ्रैगमेंट कर सकते हैं। डीफ्रैगमेंट में क्या होता है कि आप अपने जो स्टार्टअप बटन है वहां पर लिखिए डिस्क डीफ्रैगमेंट या फिर डीफ्रैगमेंट भी लिख सकते हैं और उसके बाद आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपका डीफ्रैगमेंट का जो बॉक्स खुलेगा और उसमें आपको क्या करना है कि आपकी जिसमें विंडो है उसको क्या करना है उसको आपको डीफ्रैगमेंट करना है। डीफ्रैगमेंट करने से क्या होगा कि आपका जो PC में जो फाइल्स है वो प्रॉपर वे से होंगी और जिससे क्या होगा कि आपका जो PC या फिर लैपटॉप है काफ़ी जल्दी स्टार्ट होगा या वो आपका नॉर्मल भी जब आप उसमें वर्किंग करेंगे तो वो काफ़ी फास्ट वर्किंग करेगा। दोस्तों उससे बाद जो अगली ट्रिक है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आपके कुछ पैसे तो लगेंगे पर आपका जो PC या फिर लैपटॉप है काफ़ी जल्दी स्टार्ट होगा या कहीं कि उस वो जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो वो काफ़ी तेजी से वर्किंग करेगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको अपने PC या फिर लैपटॉप में सॉलिड स्टेट ड्राइव लगानी होती है। PC में तो वैसे आप SSD ड्राइव लगा सकते हैं पर लैपटॉप में कई लैपटॉप में जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने का ऑप्शन दिया होता है और कई में नहीं होता तो आप उसमें नहीं लगा सकते, या फिर आप क्या कर सकते हैं ड्राइव की जगह आप SSD ड्राइव लगा सकते हैं अगर आपका जो SATA पोर्ट है वो 6 GB/s वाला है तभी लगा सकते हैं आप। अगर आप उसे कम की हुई तो वो क्या करेगा आप उसमें ड्राइव तो लगा सकेंगे पर वो इतनी परफॉर्मेंस देगा जितनी उसकी फुल पोटेंशियल होती है। तो दोस्तों
आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक सॉलिड स्टेट ड्राइव बाय करनी चाहिए, चाहे आप 120 GB कीजिए या 250 GB की। और सिंपली क्या कीजिए कि उसमें आप अपनी विंडो इंस्टॉल कीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और जो आपकी नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव होती है वो काफ़ी स्लो स्टार्ट करती है आपकी विंडो को, पर जब आप सॉलिड स्टेट ड्राइव में विंडो डालते हैं अपनी तो वो आपके पीसी को काफ़ी जल्दी बूट अप करता है, या फिर कहें कि जब आप नॉर्मल भी वर्क कर लेते हैं तो आपका पीसी है जो हैंग नहीं होता। अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप को तेज बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव डालिए और उसमें अपनी जो विंडो है डालिए, और बाकी जो आप जो डाटा रखना चाहते हैं सेविंग उसके लिए आप नॉर्मल ड्राइव में डाटा रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप को काफ़ी जल्दी बूट अप कर सकते हैं, या फिर कहें कि वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट होगा, या फिर आप नॉर्मल भी इस्तेमाल करते हैं उसका तो वो काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी नई चीज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।